तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एक बड़ी ही प्यारी सी गणेश वंदना है जिसको पंकज राज जी ने गाया है। तो आइए उस गणेश वंदना को हम लोग देखते हैं कि कैसे वो प्ले होगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसको एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आएगी। तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से नोट लगे हैं सबसे पहले वो देख लीजिए आप। मैं बात करूँ तो मैं इसके अंदर जो मेरा सा है वो तीसरी काली यानी एफ शार्प मेजर, इससे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसमें नोट में क्या लगा? सा रे गा मा पा धा कोमल निषाद और सा, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले एक खास चीज़ देख लीजिएगा कि जब हम आरोह क्रम में जाएंगे तो हम लास्ट बस धा तक इधर हमारा काम हो जाता है, सा रे गा मा पा धा, और इधर हमारे मंद्र सप्तक में नी कोमल पा, बस नी और पा ये दो नोट लेने हैं दोस्तों, ठीक है। तो केवल नी कोमल इसके अंदर है, बाकी सभी के सभी नोट अपने अभी शुद्ध हैं, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से आपको इसको प्ले करना है। तो आपको क्या करना है? पानी सा मा, पानी पानी सा गा मा गा रे सा नी सा, पानी सा गा मा गा रे सा नी सा। थोड़ा सा अलंकार हैं, जैसे यहाँ जब आते हैं दो बार लेना पड़ता है, ये यहाँ आते हैं तो दो तीन बार लेना पड़ता है, ठीक है। फिर इसका जो स्थाई है थोड़ा सा खिसता है, लाडली गणेश जी, सिर गोरा के लाडली गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी।
ठीक है, तो ये इसका स्थाई पार्ट हो गया। अब दोस्तों इसके जो अंतराय हैं वो ऊपर से आते हैं, इसके अंतरा कुछ इस तरीके के, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके जो अंतराय हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, और जो इसके अंतरा शुरू होंगे ना दोस्तों, वो होंगे आपका पासे, सारे गा मा पा यहाँ से, ठीक है। प्रथमे तुम को जो कोई ध्यावे, जो कोई ध्यावे, तो कहाँ से ले रहा अंतर आपको, प्रथमे तुम को जो कोई ध्यावे, मन वाग्या वो फल वो पावे, प्रथमे तुम को जो कोई ध्यान, मन बांछित वो फल पाए, तुम रहना साथ हमेशा, तुम रहना साथ हमेशा, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, सिद्ध गौरा के लाडली गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। दोस्तों अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक म्यूजिक का पार्ट आता है स्थाई के बाद में, वो क्या आता है, एक बार मैं म्यूजिक पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया सही रहेगा, ठीक है। ये पार्ट आपको इधर इसमें लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।